पिछले दिनों आपने कालसी ब्लॉग का एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ और चर्चाओं का विषय भी बना रहा, जिसमें एक महिला प्रधान एक कर्मचारी को खरी खोटी सुनाते हुए दिख रही थी। वहीं आज महिला प्रधान द्वारा कालसी थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें ब्लॉक के एक कर्मचारी पर कमीशन मांगने जैसे आरोप तथा वायरल वीडियो किस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया उस पर भी सवाल खड़े किए गए। महिला प्रधान ने कहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो केवल वीडियो का एक अंश है जो मेरी छवि खराब करने के लिए दिखाया गया, जबकि पूरी वीडियो में सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। आज हम मौजूद हैं गडोल की प्रधान के साथ, जो प्रधान होने के साथ साथ प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष भी हैं। दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था और प्रधान जी का कहना है कि जो वो वीडियो था वो बहुत ही एक योजनाबद्ध तरीके से वायरल किया गया था। तमाम ऐसे आरोप हैं। आज हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं, मामला क्या था, क्योंकि आज ये थाने में भी गई थी, अपनी क्रॉस रिपोर्ट करके आई हैं उस मामले के खिलाफ। आज पूरा मामला जानते हैं कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था, जो वो वीडियो में था उसकी सच्चाई कितनी थी। हमने अभी देखा है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, बहुत से लोग उसके बारे में कई कई तरीके की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली सच क्या था आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या थी। काफ़ी समय से जो है मैं अपनी फाइलों को लेके बहुत परेशान थी। उसके बाद जब मैं उनसे बोलती हूँ वो मुझसे बहुत ही बदतमीज़ से बात करते हैं। उसके बाद मैं वीडियो मैडम के पास आती हूँ। वीडियो मैडम से भी मैंने दो बार शिकायत की थी उससे पहले भी कि मैडम ऑपरेटर जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मेरी पंचायत को लेके सीरियस नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो मैडम ने दो बार उनको कहा भी, ऐसा नहीं है कहा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे थे। और उसके बाद उनको बुलाया गया ऑपरेटर को, इधर वीडियो मैडम ने इधर ऑपरेटर को बुलाया और सामने सामने झूठ बोलता ऑपरेटर मैडम से बात कर रहा था। और इधर से सुशील जो है वीडियो बना रहे थे, सुशील भारद्वाज रिपोर्टर जो बोलता है खुद को, वो वीडियो बना रहा था। और पूरी सच्चाई मेरी उस वीडियो में है जो उन्होंने म्यूट करके पूरे सोशल मीडिया पे डाला है, म्यूट करके डाला है कि दस्तावेज़ मेरे जो है गलत थे, मैं फर्जी साइन कर रही थी या कुछ कर रही थी। दस्तावेज़ दरअसल कंप्लीट करना तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये तो ग्राम विकास अधिकारी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने बार बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की, नहीं किया। तो उस दिन इतनी अति हो गई थी, मेरा धैर्य कावान जिसको बोलते हैं वो टूट ही गया उस दिन, क्योंकि वो मेरे सामने झूठ भी बोलता है और मेरे सामने आके सीधा मुंह पे जो है सीना तान के मुझे धमकाने की कोशिश करता है, जो कि सब कुछ सुशील भारद्वाज की वीडियो में है जो म्यूट करके उसने गलत तरीके से सोशल मीडिया पे शो किया, दिखाया। और जो शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी वीडियो मैडम ने खुद, और वो वीडियो मैडम ने ही वायरल की थी सारी जगह। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरी जनता के साथ मेरी पंचायत में खिलवाड़ हो रहा है जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने बचाव के लिए ही ऐसा एक्शन लिया, अपनी सुरक्षा के लिए उठाया, जो भी मैंने कदम उठाया अपनी सुरक्षा के लिए उठाया। मैम, आप जो प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है उसकी पदाधिकारी हैं, खुद कमीशन की बात कर रही है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात पे तो 100% सच्चाई है, 101% सच्चाई है कि उन्होंने जो है मुझसे खुद मेरे सामने अधिकारी बोलो ऑपरेटर बोलो मेरे सामने उन्होंने बात की है, कमीशन की बात की है। क्या इस विषय में मैम आपने प्रमुख से बात करने की कोशिश करी, उनको इस संज्ञान में लाई ये सब चीज़ें? मैंने जो मठोर सिंह जी है प्रमुख हमारे, तो उनसे मैंने एक बार बात करी थी कि मेरा जो है जो मिस्त्री पार्ट है वो अभी तक नहीं आया, 2 साल हो गया। तो उनसे बात की, उन्होंने डीपीओ से बात की उन्होंने, उसके बाद भी नहीं किया। उनके संज्ञान में भी डाली है बात, ऐसा नहीं है डाली नहीं है। और उन्होंने भी ऑपरेटर से भी बात करी थी कि तुम ऐसा मत करो, काम को समय से करो, उन्होंने यही कहा। मैम, आप प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है सारे प्रधान आपके संपर्क में रहते हैं, इस मामले में क्या सभी प्रधानों ने आपका साथ दिया, और अगर साथ दिया तो आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको तहरीर देने के लिए केवल अकेले जाना पड़ा? देखिए, सभी लोग चाहे कोई भी हो,
हर कोई अपने लिए डरता है, हर कोई अपने कमियों के लिए डरता है कि कहीं ना कहीं हमसे कमी ना हुई हो, हमारी जांच ना हो जाए, हमने कमी हो। तो इसीलिए प्रधानों का भी अपना वो है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ प्रधान नहीं खड़े हैं, खड़े हैं। ये थी हमारे साथ गडोल की प्रधान निर्मला जी, और आपने अभी पूरे वाक्यांश में देखा जो हमारी बातचीत हुई है प्रधान जी से, कि किस तरह से ब्लॉक में किस तरह से कमीशन खोरी चल रही है, इनके आरोप के अनुसार किस तरह से कमीशन खोरी चल रही है और किस तरह से जनप्रतिनिधि त्रस्त हैं इस कमीशन खोरी के चलते, किस तरह से विकास कार्यों में ये कमीशन अड़चन बन रही है, पूरी गुणवत्ता से पूरा काम नहीं होता। वहीं जब हमने लगे आरोपों को लेकर दूसरे पक्ष से जानना चाहा तो उन्होंने स्वास्थ्य खराब बताकर फोन कट कर दिया। खैर, अब देखते हैं कि लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच होती है या फिर मामला फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा।